हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मनी मेराज भैया की न्यू वीडियो, मनी मेराज वाइंस चैनल से फगुआ। ओके, फगुआ यानी कि यूपी बिहार में फगुआ होली को कहते हैं। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं मनी मेराज वाइंस से। ठीक है, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। रे मुर्गा बा, अपन बापुआ के समझावत कहे ना बारे रे। साला जॉब देखा तो तब हमारा पे पिना ले रहा लो। लागल हो कि साला हम ही बिगड़ले बनी हूँ तोरा। अरे साला के ना देखा ले तो प्रणाम कहे ना करल। प्रणाम कर वही तब न तोरा के देख के खुश रहता। रे मुर्गा बा, ई पचफोरना हो का रे? अरे साला ई तो नया कपड़ा पहन के आवत हो रे। चल ना धूरा झोंक के खराब कर देवल जाओ, छीन मो ना करी। हाँ होरी, चल पुराना मानो होरी है। बहुत सही। का हाल बा मुर्गा? ठीक बा। ठीक हो तो का करत रहे? यहाँ घर रहे के चाहिए तो लोग के देह पर धूरा माटी छिटत रहे। तो समझ है तो छिटम ना। तो कहे ना छिटले है? साले ऐसा मरती कि साले लाद पजौनी गार में फेंक दे। आज नु बच गेले हा, काल कौन सा रोट बेटा बचा लेतौ। तोरा के तो लगाइबे करम, तोरा मेहरारू के घर में घुस के लगा। ओ भाई, दो साला पहले मुंह साफ करके आओ तब बिहा नहीं है। गार ना फाड़ देम साले तो कहिए। करउ दिन बाद तू घरे रहबा, कमाई जइबो ना, तोरा मेहरारू के बोला के हम बैठा के खियाई। हां त ना बोलैबो, फगुआ में सबके मेहरारू घरे है आ हमर मेहरारू ना आई। रे सरवा, कामना गुण पर कमा के रख ले बड़ा कमा के। ए तो हम ही कह ले रही बियाह करेला, कहला तो लिया हो। कहला बोलाई माजा मारेला तोरा, कमा के खाबे हमनु कार फाटा ले। हां तो हम कहूंगे रखम, तू बुलाओ। ए सरवा, तोहर कार भरता कि हम बोला दी? हां भरता। प्रणाम भैया। खुश रह। प्रणाम बाबू जी। खुश रह। ए, चल। अरे चल भीतर प्रणाम करिए। चल फगुआ बा, 2 साल पर बबुआ बाहर से आएल। अरे तो एकदम से अटैक कर लेंगे क्या? कोनो करम करब तब न फगुआ मनाइब और जाके लकड़ी सरिया बा और धोल बा सब जा। बाबूजी, हमें अंगूर और बिस्कुट हवा धर रखा है। सत्ता अंदर लेके टीना गरम बा, काहेला पसना के निकला तरन बुझाते नहीं थी। सारा टेंशन दूर होकर मिट्टी से क्यों खेलते हैं? देख कपड़े भी फाड़ रहे। केने बा साला पछ करना। हाय देख साला बुढ़वा के टीका करके भोर छीटा खाईता। साला खा के बिहान होतो एक टोकरी। इतना सारा चावल केने पछ करना, बाहर निकाला। बिहान साला बिना रंगे डाले एक चाटी मर लेबा। ले मीठा खो। नहीं कहेंगे। खो तोरा मातारी के। रे भतरी। मार मार के कौन खिलाता है? दोस्ताल हो होली खेलेला जो मुर्गा बड़ा आता हो। ए पचफोरना आओ हेने, आओ आओ हेने, रंग लगा दियो। ए हम रंग होली ना खेली ले भाग यहां से। ए आइबे की आइयो भीतर भीतर आइबे। तोरी बहन के ओहो रे साला, ई त फटा लेके आवत हो। साला घर मुज दे रे साला, होली है तो रंग ना लगाइयो। साले एक बार कह देने कि हम रंग ना खेली ले तो बाहर निकल। ए तू बाहर आइबे कि भीतर आइयो? अगर हम नहीं आ जाबो तो मेहरारू के लुगा उगा सब खोल दे। ओ भाई मुर्गा, तू हमरा मेहरारू के लुगा खोल दे। आओ सर अंदर आ। ए चल चल हमरा ये में हटो। चल चल रुक आ रे रुक आगे रुक। आओ सर रंग लगा के देख ले। आओ खुद देखा खुद देखा। चाचा प्रणाम। चाचा
हैला जो गिरा सारा रारा हैला तू हो सारा रारा ये बाप बेटे आपस में लड़ते रहेंगे रे ई तो साला बॉयटिंग करे लगलो है इधर आ तू थोरो मार मार तोरी बहिन करस मार आले अरे बाप रे बाप रे सारा मुन्ना भैया के टी शर्ट देखो पीछे से फाटक खुला है पचफोरना बहुत ताकत आ रही तू पचफोरना के दम ले रहा चल मंडी लगा के आवल जा साला अनरा के बेटा मुर्गावा हमरा में हाडू के रंग लागे तो साला पर्चा पर्चा उड़ा देबो रे साले एगो फुदगुदी उड़बे ना करिया साले पर्चा पर्चा उड़ाइबो अरे वो भी बेवकूफ की तरह वहां खड़ी है होली है चले के होली है देवर भौजाई के होली खेले दो भौजी सारा रा 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 भौजी पूरा नाम होली है साला लगावे वाला जगह पर रे पूरा हमरो को रंग दे सरदा पूरा हो जा फैलो ना भौजी जहां मन करे हमरा के लगा दो भौजी तनी केसो हटा वन खेत में लगा दे तो भैया की रे माजे ले बता रे भोसरी तोरा के तलाक न दे देबो रे रो लगाई लगाई पचफोरना हतिन ई लगा बोला हतिन ए पचफोरना हाय देख पियर का सिंदूर जात हो तोरा मेरा हाथ के मांग के बीचे बीच अरे बाप रे बाप ई साला मुर्गावा हमर इज्जत नासेल ओ तेरी हीरो हमेशा लास्ट में क्यों उठता है रे मुर्गावा पचफोरना में तू बास लेके तो मार दी का आवे दे सरवा तू मांग टिक दे ले इतना ही मत मार तो अरे बाप रे हां आई बाप साले अरे बाप रे रे साला सा जल्दी उठा के ले चल आई डॉक्टर को नहीं तो मर जतई उठो 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 रे ये लोग का कहनी का कहनी भोसरो तोरा लहर जागल बा मांग भरो तरु पेट रंग आव तरु ओए भोसरो उमका जागल बा उमका रंग का का लगे मुर्गा वा के का कुछ भेलैया खाली माथा फोड़ ले बनियो कर अभी मर सर तो ऐसी होली खेलते ही क्यों है कारे पचफोरना चुप का है बारे है मुर्गावा का माथा काहे फर ले अच्छा रहुए बताई रहुए घर में घुस कर और मेरे हारू की मांग टीक देती प्यार का रंग से तो रहुए का करती पुआ बड़ी खेती रे साला रे उतर तो तू पहले है नहीं आइला उतर तो गेनी तो उतर के एहसान कर ले यहाँ साला आगे निकल जा मुखिया जी समाचार हमर तो ठीक है बा एकर समाचार के का कहले बारे मुर्गावा के का मुर्गा काल बा अभी जिंदे बारे हाँ। सुन लियो मुखिया जी हमर बेटा जिंदा बा सरवा एहू से खुश नहीं खे तो बैठल कथी बार तू बस उठाओ आ जैसे फरलक वैसे फाड़ द रे ए, ये खून का बदला खून चल रहा है क्या मतारी कन्हा के साथ भागर लख फा फा ओ फा फा अगर कपार फाड़ो तो हमरा देखे के बा हां तो बापो कह दे शशि भैया की आवाज मांग टिकवाले तो प्यार का रंग से ओकरा बाद माथा फाड़ देता हूं तो बोलो केना चा मेरा रुके मांग टिको बहु पापा मौगा बड़ा का पापा तू बड़ा का ओ भाई कुछ बोला मूर्ति लेके बैठल बारा साला यहां के सब गार्जियन मौगा है खाली मुड़ी गार के बात सुनता है सब पापा ए मर दे कुछ बोलाऊ ना मुखिया जी हमरा पतो के त मांग टिक आ गेल बा ए पर का फैसला होके के चाही मुखिया जी तंग हमर लइकावा का माथवा देख ले हम ना मुखिया जी के आंख में कबूतर मुतले है मुखिया जी आनर हो गेल बारन सब बुझाता आ सब सुनातो बा आ जब लागब एक जोराए से सबनी के थूड़े रे मुर्गा रे मांग टिकले तू पथफोरना के मेरा रुके ना ना टिकनी का सबूत बा एकरा पास की मांग टिकनी तू ना टिकले ना बुलाई मेरा रुके हां बुलाओ ए पथफोरन जाके अपन मेरारू के बुला के लिया ओकरा बाद फैसला होई ठीक बा हम बुला के लिया तनी जो को तो पीट पीट के अधमरा कर दिया मुखिया जी आ गेली नमर करिया मेरारू मुखिया भी ठरकी है भोसड़ी करिए बा लेकिन मुंह के पानी ठीक होई नाम का बा तोहर मजवंती मजवंती भरसक मजले बस
साला बाप मतारी के नामो ना जुड़ली छी हतरीला इहे भोसरी के चलते कपार हमर फाटल बा काहे लगाने गए थे रंग सच सच बतावा ई मुर्गावा तोर मांग टिकले रहे रे दुगली बोलत काने बारे हां ये चरवा टिकले रहे नी पुत्र के बेटा ए हम कोनो साजो के टिकनी उकारे हम त मजाक कइनी मजाक कइलो हो दुगले के बच्चा मोर चप्पल के मुंह लाल कर दे फाड़ दे मुंह सरवा के बोलत कथि बारे रे पचफोरन जब फोरे फारी करे के रलख त हमरा हि आले का जरूरत रलख मेरारू त तोर पूरा चाबुक भर लइए बा मुखिया जी ई पहले रहुआ बताई होली का बहाने केहू केहू का मेहरारू के मांग टिक देवे उचित काम बा एंगे चली तो कौन भाव जाई देवर से रंग लगवाए सही बात है बुढ़वा खुद छिनार बा साला सामाजिक बात करता तनको सब लाई है का पच फोरन का कहत रे केंगा फैसला हो को केंगा फैसला करम हम एकरा के 2 महीना छुम थोड़ी है नैहर भेजवा दे आई सरवा मांग टिकले बा ओकर हिसाब करू का फाइन होई मांग टिकाई जुर्माना सुन ले बारे आज देख ले पचफोरना बहू के इस समाज में मुर्गा बाबू के घटिया रवैया के देखते हुए मांग टिकाई 21,001 रुपया मजबूती देवी को दिया जाएगा और मरद से मेहरारू के 2 महीना अलग रहे के पूरा खर्चा मुर्गा बाबू उठाइए ठीक बा मुखिया जी हम एकर मांग टिकाई 21,001 रुपया दे हम एकरा के 2 महीना के खर्चो दे देखो कैसे फूट के बाहर आई देवी हमरा लगे रही 2 महीना ओ बेटा मुर्गा बाबू हमरा मेहरारू के 2 महीना रखबा अरे साला मुखिया जी मरला खा ठीक त कइला खा सुनला कन्हानास 21,001 रुपया मांग टिकाई एक दिन में देवे को होई आ प्लस 2 महीना के खर्चा ना तो तोनी के समाज में रहला जगह ना मिली चला जा यहां से अब ले भैया मजवांती अब रह जाइया ना जाइया ठीक बा वाह अभी तक कुछ को लतियार है थे आई लव यू लव यू टू ओह ये यहां पर ये वीडियो खत्म मतलब हद उसको तो एक तो पीट पीट के ठीक है आधा मरा कर दिया बेचारी को हाँ वो मोहित भैया थे वहां पर लेकिन देखो यहाँ पे इस टाइप से होली खेलना मैंने इसीलिए बहुत सारी वीडियोस में मेरी जितनी भी होली रिएक्शन वीडियोस हैं ठीक है मैंने सब में बोला है प्लीज़ ये पहली बात तो ये मिट्टी कीचड़ और ये अंडसंड चीज़ों से खेलना बंद कीजिए होली रंगों का त्यौहार है खुशियों का त्यौहार है मेल मिलाप का त्यौहार है ना कि ये कीचड़ और ये कपड़ा फाड़ने वाली कौन सी होली है भाई मतलब नुकसान क्यों करना है कपड़ा फाड़ना अगर आप होली से किसी और दिन अगर ऐसे रंग खेलते हुए ये कपड़ा फाड़ो ना तो वो हरासमेंट में गिना जाएगा ठीक है अरेस्ट हो सकते हैं आप लेकिन नहीं ये यहाँ पे होली के नाम पे बुरा न मानो होली है बुरा न मानो होली है तो उनकी मांग भर दो ठीक है हालांकि वो पीला रंग था और उसके वो माना भी नहीं जाता है लेकिन फिर भी किसी के साथ भी ऐसी हरकत करना वो इनएप्रोप्रिएट होता है तो प्लीज़ ऐसा ना करें ओके रंगों से खेलें खुशियों से खेलें लोगों के बीच खुशियां बांटें ना कि ये फालतू के क्या बोलते हैं केस वेस में फंसे है ना एक दिन होली खेलो दूसरे दिन केस लड़ो तीसरे दिन जुर्माना लगाओ ठीक है वो शशि भैया की खोपड़ी फूटने का भी कोई फायदा नहीं हुआ गलती दोनों साइड की थी यहाँ पर पहली बात तो भाभी जी बड़े मजे से लगवा रही थी उन्हें तुरंत मना करना चाहिए था कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते ऐसे नहीं खेल सकते ठीक है दूसरी बात जब उन्होंने मना किया मेराज भैया ने मना किया कि नहीं खेलना होली किसी इंसान के कंसेंट की कोई कीमत है जब कोई इंसान सामने से मना कर रहा है कि नहीं खेलते होली रंगों से एलर्जी है नहीं खेलते मत खेलो क्या पता किस इंसान को फलाने इंसान को रंग से एलर्जी हो आप ज़बरदस्ती उसको रंग पोत दो फिर बाद में वो स्किन रैशेज लेकर या फिर कोई बीमारी लेकर इधर उधर घूमे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है तो जब एक इंसान मना कर रहा है कि नहीं खेलनी होली तो प्लीज़ मत उसको रंग लगाइए ठीक है दूसरी बात गुस्से में आके जो उन्होंने खोपड़ी फोड़ी है मेराज भैया ने जो खोपड़ी फोड़ी है ओ भाई वो थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं होता है क्योंकि किसी की जान माल का अगर हानि हो जाए तो वो चीज़ ख़राब होती है और वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अजीब भी लगती है कि रंग लगाने के चक्कर में मार मरवल हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा
अति हो जाती है, अति समझते हैं ना, हाँ वो अतिशयोक्ति वाला अति कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई यार, फनी थी, एक सोशल मैसेज भी था इस वीडियो में कि आप ऐसे इस टाइप से होली खेलो कि लोगों के घर खुशियां जाएं, ठीक है, खुशियां बांटो ना कि दूसरों की खुशियां भी निचोड़ लो, ठीक। तो सोशल मैसेज था, अच्छी स्टोरी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था काफ़ी ज़्यादा, एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डायरेक्शन था, है ना। और एक स्टोरी को स्क्रीन पर कैसे प्ले किया जाता है वो इस टीम को अच्छे से पता है, तो उस चीज़ की मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी। यहाँ पे सब लोग ने अपने अपने कैरेक्टर्स पकड़ के रख रहे थे, जो पिताश्री हैं, ठीक है, और सैफ भैया वो बाप बेटे आपस में लगे हुए हैं कि हाँ तुम कमाते नहीं हो और हम कमा कमा के कब तक खिलाएंगे। तो ये चीज़ थी, बहुत फनी वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।